यस भी नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन कैपेसिटर। लास्ट टाइम हम लोगों ने कैपेसिटर के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस किए थे, सीरीज, पैरेलल्स, हैविंग डायलैक्ट्रिक स्लैब, हैविंग मेटेलिक स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स। तो उस पे बेसिस के ऊपर हम प्रॉब्लम्स करते हैं। देखिए एग्जाम्स में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायग्राम बेस्ड आते हैं। तो डायग्राम के अंदर आपको ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर दिया जाएगा, आपको उसमें बताना पड़ेगा कि कैसे ये जो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं वो सीरीज में हैं, पैरेलल में हैं, किस तरह के मिक्स ग्रुपिंग के अंदर हैं, कैसे कॉम्बिनेशंस के अंदर हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं सिंपल से बेसिक एग्जांपल के साथ। देखिए हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल बनेगा, हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं जो जुड़े हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशंस में। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। C1 कैपेसिटेंस, C2, C3। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन निकालना पड़े ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के बीच में, तो आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स। तो देखो सिंपल सा है, ये हमको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशंस में है और इसका नेट कैपेसिटेंस जो बनेगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो आप लोग। सेकंड जो बनेगा वो है पैरेलल कॉम्बिनेशंस। पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर क्या होगा, वी हैव टू और मोर कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स, कनेक्टेड बिटवीन ए टू पॉइंट्स। तो इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C2। अब देखिए इसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, अगर तीन हो तो C3 एंड सोन। अगर एन कैपेसिटर जुड़े हुए हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, दिस इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आता है जब आपके पास मिक्स ग्रुपिंग हो जाती है, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में। देखिए एक कैपेसिटर ये रहा, सेकेंड कैपेसिटर ऐसे जुड़ा हुआ है, थर्ड कैपेसिटर यहाँ पे जुड़ा हुआ है ऐसे। अब देखिए मेरे पास तीन कैपेसिटर हैं, C1, C2, C3 कैपेसिटेंस है उनकी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी मान लेते हैं। अगर आपको इनके इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना हो, मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे 6 माइक्रोफेरेड का वैल्यू है, यहाँ पे भी 6 माइक्रोफेरेड है, यहाँ पे 3 माइक्रोफेरेड है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, आपसे व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड ए बी। तो किस तरह की कॉम्बिनेशंस में पहले कोशिश कीजिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन उसको सोल्व किया जाए। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर है, फार्मूला क्या होता है, 1/C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C2 C3 जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर हैं, तो इसका नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो सिंपल जोड़िए, 6 प्लस 6 कितना हुआ, 12 माइक्रो फेरेड। यानी नेट इस दो को हम क्या करते हैं, सिंगल कैपेसिटर से इसको शो कर सकते हैं, इसका वैल्यू कितना है, 12 माइक्रो फेरेड। अब C1 और जो नए ये 12 माइक्रो फेरेड है ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा, यहाँ से देखिएगा 1/C इज इक्वल टू, सीरीज का फार्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/12। इसका एलसीएम मान लेते हैं 12 हुआ, ये 4 प्लस 1 इक्वल टू 5/12। तो 1/C का आंसर कितना हुआ, 5/12। हमको 1/C नहीं चाहिए, हमको C चाहिए। तो पूरे आंसर को रिवर्स कर दीजिएगा, तो कितना हुआ, 12.5 माइक्रो फेरेड। दिस इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल करते हैं। देखिए हमारे पास कुछ कैपेसिटर जुड़े हुए हैं ऐसे, ये ग्रुपिंग है, मिक्स ग्रुपिंग बोल सकते हैं इसको हम लोग। कुछ सीरीज में है, कुछ पैरेलल्स में है। जो हमने एग्जांपल्स पहले किए थे उस एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हमको पता चल रहा था कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है, कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल भी आ सकते हैं जहाँ पे हमको पता ही ना चले कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। देखिए C1, ये C2, ये C3 मान लेते हैं, ये C4, C5, C6।
इस कोई भी डायग्राम ऐसा बने जहाँ पे आपको शक होगी कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है, कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में है। ये डायग्राम आपको गिवन होगा। अब इस डायग्राम से काम नहीं चलेगा आपका, आपको क्या करना होगा, अपना खुद का डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डायग्राम्स। उस डायग्राम बनाने का तरीका क्या, देखिए जिनके बीच में आपको पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड ये ऑब्वियस है बैटरी कहाँ जुड़ेगी, ए और बी के बीच में जुड़ेगी। तो आप क्या करोगे, पहले उस पॉइंटों को ही बना लीजिए जिनके बीच में आपको निकालना है। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट कौन सा मान लेते हैं बी। हम अपना डायग्राम बना रहे हैं, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डायग्राम्स। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, ए से चलना शुरू करेंगे, बी तक पहुँचना है। करंट क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ यूज करता है हमेशा। तो आप शॉर्टेस्ट पाथ यूज करते हुए ए से चलिए और बी पे पहुंचिए। तो जो भी कैपेसिटर जुड़े हुए हैं उसको जोड़ दीजिए साथ में ही। हमें ऐसे चलना शुरू किया, पहला कैपेसिटर कौन सा आया C1, फिर कौन सा आया C2, फिर कौन सा आया C3। हमें यूज करना है शॉर्टेस्ट पाथ, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं। ये कैपेसिटर C1 है, C2 है और ये C3 है। ठीक है, तो मैंने जोड़ दिया C1, C2 और C3। तीनों किसे जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशंस के अंदर। ठीक है, अब देखिए तो हम चल रहे थे, C1 और C2 के बीच में क्रॉसिंग किया गया है, यहाँ से कुछ और जुड़ा हुआ है। एंड ये पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, इस पॉइंट को मैं कुछ भी नाम देता हूँ X, और ये एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, इट इज़ Y। तो X पॉइंट कहाँ पे है, C1 और C2 के कहीं बीच में है, तो ये पॉइंट क्या मान लेता हूँ मैं, इट इज़ X पॉइंट। ठीक है, Y पॉइंट जो बना हुआ है C2 और C3 के बीच में बना हुआ है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट बना हुआ है, ये इट इज़ Y बिटवीन C2 एंड C3। अब देखिए X और Y में क्या जुड़ा हुआ है, ये तो सोल्व हो गया इतना डायग्राम यहाँ तक। तो अब आगे देखिएगा X और Y में क्या जुड़ा हुआ है, C4, C5, C6, C4, C5, C6। तो जोड़ दीजिएगा X और Y में, C4, C5, C6 इन सीरीज कॉम्बिनेशंस, इट इज़ C4, C5, C6। ये बन गया इसका इक्विवेलेंट डायग्राम। देखो इसको सॉल्व करना बड़ा इजी है। अभी ये तीनों कैपेसिटर जो जुड़े हुए हैं C4, C5, C6, तीनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, तो हम कोई इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो आंसर आएगा वो आंसर C2 के साथ किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, उसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, C1 और C3 के साथ किस में रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा, उसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। जब कोई पता चल जाए कि कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में, तो उस डायग्राम को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये इस डायग्राम का ये क्या है, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम। एक एग्जांपल करते हैं, इसी तरह का एग्जांपल है फिफ्थ भी। देखिएगा हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो, अब इससे साथ और भी जुड़े हुए हैं हम लोगों ने पहले की तरह, एक यहाँ पे जोड़ लेते हैं, एक यहाँ पे जोड़ लेते हैं ऐसे, एक यहाँ पे जोड़ लेते हैं। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं इस डायग्राम के अंदर, मैं एक कैपेसिटर यहाँ पे भी जोड़ देता हूँ उनके बीच में, और इनकी कैपेसिटेंस C1 है, C2 है, C3 है, ये C4, C5, C6 और ये है C7। अरे भी मान लेता हूँ कि कोई भी कैपेसिटर बराबर कैपेसिटेंस का नहीं है, अगर होगा तो कुछ कंडीशंस आएंगी जिसकी वजह से C7 कैंसिल हो सकता है। हम वो कंडीशन नहीं ले रहे अभी, हम कोई भी कैपेसिटेंस को बराबर नहीं मान रहे। ठीक है, देखिए तरीका क्या था, आपको निकालना है नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। डायग्राम बनाइएगा नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तरीका क्या है निकालने का, पहले वो पॉइंट ही बना लीजिए जिनके बीच में निकालना है आपको। हमें निकालना है ए और बी के बीच में, तो मैं पॉइंट बना लेता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कौन सा मान लेते हैं बी पॉइंट। अब क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ यूज करते हुए हम क्या करेंगे, ए से बी की तरफ चलेंगे। अब देखो यहाँ से C1 है, C2 है, C3 है, जोड़ दीजिए सीरीज कॉम्बिनेशंस में C1, C2 और C3। ये पॉइंट क्या हो गया, इट इज़ बी पॉइंट, इट इज़ C1, C2 और C3। अब देखिए जब हम चल के जा रहे थे, रास्ते में कुछ क्रॉसिंग किए गए हैं पॉइंट्स, यहाँ पे वायर क्रॉस हैं,
तो देखो ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ x और ये पॉइंट कौन सा मान लेते हैं y। तो x पॉइंट कहाँ पे आया हुआ है, x पॉइंट c1 और c2 के कहीं बीच में है, तो ये पॉइंट कौन सा है x मान लेते हैं, और y पॉइंट कहाँ पे है c2 और c3 के कहीं बीच में है, इट इज़ द y पॉइंट। अब देखिए शॉर्टेस्ट पाथ यूज करते हुए फिर हम x से y की तरफ चलेंगे, यहाँ तक का डायग्राम पूरा हो चुका है, x से y की तरफ चलिएगा, x से y तक चलेंगे तो क्या होगा, एक तो ये डायग्राम हो सकता है, ये c7 और c6 जुड़े हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशंस में बिटवीन x एंड y, जोड़ दीजिएगा कौन से हैं, इट इज c4 सॉरी c7 और c6, ये c7 है और c6, c7 और c6 ये जोड़ दिया हम लोगों ने x और y के बीच में। अब देखो जब हम सी सेवन और सी सिक्स के बीच में कहीं चले थे तो बीच में एक और क्रॉसिंग आया हुआ है, इसको मैं z मान लेता हूँ, ये z किसके बीच का पॉइंट है, सेवन और सिक्स के कहीं बीच का पॉइंट है, तो ये पॉइंट हो सकता है z, इट इज z पॉइंट, ठीक है। अब z में और x में कुछ जुड़ा हुआ है c4 और c5 इन सीरीज कम्बिनेशन, x पॉइंट कौन सा है, x पॉइंट ये है, तो ये भी x पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना, वायर में सेम पॉइंट होंगे यहाँ पे x पॉइंट, तो x में और क्या जुड़ा हुआ है, x और z में c4 और c5 जुड़े हुए हैं इन सीरीज कम्बिनेशन, ये c4 है ये c5 है, यहाँ पे c4 और c5, दिस इज द इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ दिस डायग्राम। जब आपको क्या है, जब डायग्राम से पता ना चले कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है, तो आप क्या कीजिएगा, उसका अपना डायग्राम बना लीजिए। उसका तरीका, बेस्ट तरीका ये है कि जिन पॉइंटों में आपको निकालना है वो पहले पॉइंट बना लीजिएगा और शॉर्टेस्ट पाथ यूज करते हुए उन सभी कैपेसिटर को जोड़ दीजिए जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो उसको सोल्व कैसे करेंगे, सिंपल है सोल्व करना, C4 C5 शुरू करते हैं, दोनों सीरीज में हैं, इजिली सोल्व कर पाएंगे दोनों के आंसर को, जो आंसर आएगा वो आंसर क्या है, C7 के साथ पैरेलल कम्बिनेशंस में है, इसको सोल्व कर पाएंगे इजिली हम लोग। अब दिन इस पूरे डायग्राम का जो आंसर आएगा वो C6 के साथ सीरीज कम्बिनेशन में है, तो ये भी सोल्व कर पाएंगे इजिली। अब जो आंसर यहाँ से बनेगा कंप्लीट से वो C2 के साथ किस में है, पैरेलल कम्बिनेशंस में है, हम उसको भी सोल्व कर पा सकते हैं। अब जो आंसर ये इस डायग्राम का बनेगा कंप्लीट का वो C1 और C3 के साथ किस में रहेगा, सीरीज कम्बिनेशंस में रहेगा, तो नेट कैपेसिटेंस हम इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, डायग्राम बनाइएगा, इसमें हर एक का वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है, आपको निकालना है नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, तरीका वही रहेगा, बड़ा सिंपल सा तरीका रहेगा, आप उसी पॉइंट को सेलेक्ट कर लीजिएगा जिनके बीच में आपको निकालना है, तो मेरा पॉइंट ए ये मान लेते हैं, पॉइंट बी यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है। अब देखो जो जुड़े हुए हैं उनको जोड़ देते हैं, आपने ए से चलना शुरू करना है और बी तक पहुँचना है शॉर्टेस्ट पाथ यूज़ करते हुए, तो आप मर्जी यहाँ से यहाँ तक पहुँचिएगा या यहाँ से यहाँ तक पहुँचिएगा, एक ही बात है, तो आपकी मर्जी है कौन सा चलिएगा आप लोग, तो यहाँ से चलना शुरू किया, पहले कौन सा कैपेसिटर आया, वन वाला, तो इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे, इट इज़ वन माइक्रोफेरेड, ठीक है, उसके बाद फिर वन आया है यहाँ पे जोड़ देते हैं वन, उसके बाद फोर आया है फोर माइक्रोफेरेड यहाँ पे जोड़ लेते हैं फोर माइक्रोफेरेड, उसके बाद बी पॉइंट आ गया, ये वन है ये भी वन है ये फोर माइक्रोफेरेड है, उसके बाद कौन सा पॉइंट आ गया, बी पॉइंट, दोबारा देखिएगा वन यहाँ से ये आया उसके बाद वन नेक्स्ट वन आया है उसके बाद फोर आया है उसके बाद बी पॉइंट आया है। अब जब यहाँ से चल रहे थे रास्ते में कुछ पॉइंट भी बने हुए हैं, देखिए अब ये पॉइंट चेक कीजिएगा, ये पॉइंट एक्स मान लेते हैं ये पॉइंट वाई मान लेते हैं, अब ये जो एक्स पॉइंट है ये किसके बीच का आया हुआ है, ये वन और फोर के बीच का कहीं पॉइंट है, तो वन और फोर का ये पॉइंट है एक्स मान लेते हैं, इट इज़ एक्स, और ये जो वाई पॉइंट है ये वाई पॉइंट कहाँ पे है, ये बी पॉइंट के साथ अटैच किया गया है, यहाँ पे वाई मान लेते हैं हम लोग, इट इज़ ए वाई पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और जुड़ा हुआ है, एक्स और वाई में क्या जुड़ा हुआ है, सी सिक्स और ट्वेल्व ओम जुड़े हुए हैं, ठीक है, विद सीरीज कम्बिनेशंस, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे कौन सा जुड़ा हुआ है, सिक्स और यहाँ पे ट्वेल्व, इट इज़ सिक्स इट इज़ ट्वेल्व,
तो यहाँ तक का डायग्राम पूरा हो चुका है, इस साइड वाला कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इस तरफ से देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से जब चलना शुरू किया था हम लोगों ने, यहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ से क्रॉसिंग फिर हो रहा है। यानी ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट गेरा वन के बाद का पॉइंट है। वन के बाद कौन सा आया है, एट आया है, फिर टू आया है, उसके बाद कौन आएगा, बी पॉइंट आएगा। तो इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एट आएगा, पहले एट आया, उसके बाद टू आएगा, टू उसके बाद कौन सा पॉइंट आना है, बी पॉइंट। तो दिस इज द बी पॉइंट। ठीक है, ये कितना है, एट और टू, ये एट का है और ये कितना है, 2 माइक्रो फैरेड का। अब देखिए 2 माइक्रो फैरेड के साथ एक और कैपेसिटर जुड़ा हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशंस के साथ, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, 2 माइक्रो फैरेड। दिस इज द इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ दिस सर्किट्स। ठीक है, ये डायग्राम बनाइएगा ये वाला। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा अब सिंपल से, पहले नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं कंप्लीट को। अब यहाँ पे देखिए ये 2 और 2 पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, ये कंप्लीट हो गया 4 माइक्रो फैरेड। 4 और 8, जो 4 और 8 हैं ये जुड़े हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस के साथ, इसका आंसर कितना होगा, इन दोनों का आंसर 1/8 प्लस 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 एलसीएम ले लेते हैं, 8 एलसीएम हुआ, इट इज 1 + 2 यानी 3/8। यानी इस पूरे कॉम्बिनेशंस का जो आंसर होगा वो कितना होगा, उल्टा करके देखें तो यहाँ पे नीचे वाले का इट इज 8/3, इस पूरे का कितना आंसर हुआ, 8/3, इसको उल्टा कर लेते हैं। यहाँ तक जो आंसर हुआ कंप्लीट, इस पूरे डायग्राम का जो आंसर हुआ वो कितना हुआ, 8/3। अब यहाँ पे देखिएगा ये दो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, दो कैपेसिटर कौन से हैं, 6 और 12। 6 और 12 जो जुड़े हुए हैं वो सीरीज में हैं, तो 1/6 प्लस 1/12 एलसीएम ले लेते हैं, 12 इट इज़ 2 + 1 इट इज़ 3/12। उल्टा करेंगे तो 12/3 यानी इस पूरे का आंसर कितना हुआ, इस पूरे का आंसर हुआ 4 माइक्रो फैरेड। 12/3 करेंगे तो 4 आंसर आएगा। 4 और 4 पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर हैं, तो इस पूरे का आंसर कितना हुआ, 8 माइक्रो फैरेड। तो यहाँ तक का जो आंसर हुआ कंप्लीट, इसको रब कर देता हूँ, इसका आंसर हुआ यहाँ से यहाँ तक का इट इज 8 माइक्रो फैरेड, कितना है, 8 माइक्रो फैरेड। ओके, अब देखिएगा ये जो 1 है ये 8 है, ये दोनों ही किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशंस में है, तो इसका आंसर कितना होगा, 1/1 प्लस 1/8, 8 एलसीएम हो गया, 8 प्लस 1 इट इज 9/8। उल्टा करेंगे तो कितना आंसर होगा, इट इज 8/9। यानी इस पूरे कॉम्बिनेशंस का जो आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक का, एक कैपेसिटर जोड़ लेते हैं यहाँ पे, कितना आंसर होगा, 8/9 माइक्रो फैरेड। और इस पूरे का कितना आंसर था, यहाँ पे इस पूरे का आंसर था मेरा इट इज 8/3 माइक्रो फैरेड। अब 8/9 और 8/3 माइक्रो फैरेड हैं, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोनों का आंसर कितना होगा, सिंपली ऐड करने हैं आपको, 8/9 प्लस 8/3, 9 एलसीएम ले लेते हैं, इट इज 8 प्लस 3 × 3 8 × 3 24, तो इट इज 32/9 32/9। ठीक है, ओके, तो इस पूरे का आंसर कितना हुआ, पूरे सर्किट का आंसर जो हुआ इट इज 32/9, तो इट इज 32/9। अब ये जुड़ा हुआ 1 के साथ इनने सीरीज कॉम्बिनेशन, अगेन सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1/1 प्लस सीरीज में क्या होता है, 9/32, तो एलसीएम हुआ 32, यहाँ पे हुआ 32 प्लस 9 इट इज, ये 1/c लेते हैं इसको ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशंस में, तो कितना हुआ यहाँ से, इट इज 41/32, तो सी का आंसर कितना होगा, 32/41 माइक्रो फैरड। तो आप इस तरीके से आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं, देखिए हमारे पास 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं ऐसे, C1 C2
और C3, C1, C2, C3, बिटवीन ए एंड बी, ए एंड ए बी। प्रॉब्लम ये है, इनके बीच एक वायर जुड़ी हुई है, ऐसे एक वायर यहाँ पे जुड़ी हुई है, एक वायर यहाँ पे जुड़ी हुई है ऐसे। देखिए जो वायर हम यूज करते हैं उसके अंदर ये मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, नेगलिजिबल होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा उस वायर के अंदर, तो पोटेंशियल हर पॉइंट पे उस वायर में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो आपको बताना है नेट कैपेसिटेंस निकालनी है बिटवीन ए एंड ए बी। अब देखिए, देखने से लग रहा है डायग्राम सीरीज कॉम्बिनेशन में, ऐसा नहीं है। देखिएगा, आपको पॉइंट बनाने हैं, पॉइंट ए और बी जिनके बीच में आपको निकालना है, पॉइंट ए पॉइंट ए बी। अब इस डायग्राम में चेक कीजिएगा, ये पॉइंट है ए, ये वायर जुड़ी हुई है, वायर में कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो ये भी पॉइंट क्या होगा, ए पॉइंट। अब ये वायर जुड़ी हुई है पूरा, यहाँ तक कितना पॉइंट होगा, ए पॉइंट ही होगा। जो पोटेंशियल ए का है वही पोटेंशियल किसका होगा, इस पॉइंट का भी होगा, सेम पोटेंशियल, क्योंकि वायर से पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी होगा, इस वायर से कोई ड्रॉप नहीं होगा, ये भी पॉइंट कौन सा होगा, बी। अब देखिए, आपको ए से शुरू करना है, बी पे पहुंचना है। देखिए यहाँ से देखिएगा, ए से शुरू किया, बी पे पहुंचा, बी पॉइंट ये रहा, क्या जुड़ा हुआ है, C1 जुड़ा हुआ है, जोड़ देते हैं, इट इज़ C1। अब ए से बी ये रहा, अगेन क्या जुड़ा हुआ है, C2। ए से बी क्या जुड़ा हुआ है, C2। अगेन ए से बी क्या जुड़ा हुआ है, C3। एक्चुअल में ये डायग्राम किसका है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम है। ठीक है, देखने से पता नहीं चलेगा आपको कि सीरीज का कि पैरेलल का है, तो आपको इस तरह का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ये किसका है, इट इज़ इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए इसी तरह का एग्जांपल और कर लेते हैं, एक और नेक्स्ट एग्जांपल 8 करते हैं हम लोग। 8 में देखिए इसी तरह एग्जांपल करते हैं 8 को भी। ये एक तीन कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, C1, C2, C3, अगेन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड ए बी। ये C1 है, C2 है, C3 है। हमने अब की बार क्या किया, वायर नहीं जोड़ा, कैपेसिटर जोड़ दिए ऐसे, एक यहाँ पे जोड़ दिया, एक यहाँ पे। कैपेसिटर है ये C4 मान लेते हैं, ये कौन सा है, C5। पहले केस में हमने किया था कि वायर में सेम पोटेंशियल था, इसलिए हमने ये इस पॉइंट को भी ये माना था, इसको भी ये मान लिया था। अब की बार ऐसा नहीं है, ड्रॉप होगा कैपेसिटर के थ्रू, तो पोटेंशियल बराबर नहीं है इन पॉइंटों के, तो कैसे करोगे। देखिए अब ये पॉइंट कुछ और है, इसको मैं कुछ पॉइंट सी मान लेता हूँ, या एक्स को एक्स मान लो, ए एक्स। ये पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, इसको वाई मान लेते हैं। तो हमारे पास एक्चुअल में 4 पॉइंट बन रहे हैं, A, B, C, A, B, X एंड A, Y। तरीका ये है, पहले इन पॉइंटों को ही बना लेते हैं हम लोग। देखिए मेरा A पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, दिस इज़ द A पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है, ये B पॉइंट मान लेते हैं। कुछ और पॉइंट भी बन रहे हैं, ये पॉइंट X मान लेते हैं, X। ये नीचे वाला पॉइंट कौन सा मान लेते हैं, Y। तो इन पॉइंटों में बीच में जो जुड़ा हुआ है उसको हम जोड़ लेते हैं। देखिए ये पॉइंट ए है, तो ये भी ए है, सेम वायर है यहाँ पे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी। अब ए से एक्स में क्या जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ से ए से C1 जुड़ा हुआ है, ए और एक्स में देखो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, C1। यहाँ पे जोड़ लेते हैं हम लोग C1। ओके, यहाँ तक पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये भी ए पॉइंट है, ए से वाई में क्या जुड़ा हुआ है, C4। ए से वाई में क्या जुड़ा हुआ है, C4, इट इज़ C4। ये भी सोल्व हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, एक्स और वाई में क्या जुड़ा हुआ है, एक्स और वाई में C2 जुड़ा हुआ है। एक्स और वाई कहाँ है, एक्स और वाई यहाँ पे जुड़ा हुआ है, C2 जोड़ लेते हैं। एक्स और वाई में क्या जुड़ा हुआ है, C2। एक्स और बी में क्या जुड़ा हुआ है, C5। एक्स और बी में क्या जुड़ा हुआ है, C5। यहाँ पर जोड़ लेते हैं C5। ओके, और यहाँ पे देखिएगा, Y और B में क्या जुड़ा हुआ है, Y और B में क्या जुड़ा हुआ है, C3 जोड़ लीजिए। Y और B में क्या जुड़ा हुआ है, C3। तो दिस इज द इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ दिस सर्किट। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिएगा सोल्व करने के तरीके बहुत हैं इसके। एक तरीका ये है, अगर इन दो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की रेशो बराबर हो जाएं, तो इस कैपेसिटर के बीच से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा,
जब करंट ही नहीं फ्लो करेगा, इसको लगाने का कोई मीनिंग नहीं बनता। कंडीशन क्या है, अगर C1 बाई C5 का रेशो C4 और C3 के रेशो के बराबर हो जाए, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, जो यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे हम लोग। दिस कंडीशन में अगर कैपेसिटर लगे हुए हैं तो C2 में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका होने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा, ये C1 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे C5, ये C1 है, यहाँ पे C4, और ये वाला क्या था, C3, इट इज़ C4, बीच का C2 जो हमने वो क्या कर दिया, वो हटा दिया यहाँ से। अब देखिए C1 और C5 सीरीज कम्बिनेशन में है, सॉल्व कर सकते हैं। C4 और C3 सीरीज कम्बिनेशन में है, सॉल्व कर सकते हैं। और ये दोनों किस में है, पैरेलल कम्बिनेशन में है, इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन के साथ हम चेक करेंगे कि बीच वाले में से करंट नहीं होगा, तो इस तरीके की कंडीशंस के साथ हम इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे।